नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र 26 जुलाई से सुखाड़ पर चर्चा कराए सरकार। झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र शुक्रवार से शुरू हो रहा है। वर्तमान विधानसभा का यह आखिरी सत्र है, ऐसे में हंगामा के आसार हैं। सदन में आने वाले विधानसभा चुनाव की गर्माहट भी दिख सकती है। इस आखिरी सत्र में पक्ष विपक्ष दोनों आक्रामक होंगे। विपक्ष बांग्लादेशी घुसपैठ का मामला जोर शोर से उठा सकता है। इस मामले में सरकार को घेरने की कोशिश होगी। इसके साथ ही रोजगार और नियुक्तियों के मामले में विपक्ष सरकार से जवाब मांगेगा। वहीं सत्ता पक्ष नीट पेपर लीक, नीति आयोग की बैठक, कोयला पर राज्य का बकाया 1,36,000 करोड़ का मुद्दा और कानूनों में संशोधन का मुद्दा लेकर आएगा। बता दें, झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र से पहले स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने गुरुवार को विधायक दल के नेताओं के साथ बैठक की। इसमें सदन को सुचारू रूप से चलाने का सहयोग पक्ष विपक्ष से मांगा है। वहीं विधायकों का कहना था कि फिलहाल सुखाड़ जैसी स्थिति कई जिलों में है, सरकार सुखाड़ को लेकर भी चर्चा कराए, इससे निपटने को लेकर तैयारी जरूरी है। मुख्यमंत्री श्री सोरेन का कहना था कि विस्थापन आयोग बनाने की पहल सरकार ने की है, सरकार विस्थापन को लेकर गंभीर है। लोबिन हेम्ब्रम और जेपी पटेल की विधायकी खत्म। झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने विधायक लोबिन हेम्ब्रम और जेपी पटेल की सदस्यता समाप्त कर दी है। स्पीकर न्यायाधिकरण ने दल बदल कानून के तहत गुरुवार को यह बड़ी कार्रवाई की है। बुधवार को सुनवाई के बाद उन्होंने फैसला सुरक्षित रख लिया था। दोनों विधायकों की विधायकी समाप्त करने का निर्णय 26 जुलाई से प्रभावित होगा। वहीं इसी दिन झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र भी आरंभ हो रहा है। लोबिन के विरुद्ध झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष शिबू सोरेन और जेपी पटेल के खिलाफ भाजपा विधायक दल के नेता अमर कुमार बावरी ने शिकायत की थी। बोरियो के झामो विधायक लोबिन पार्टी में रहते हुए विगत लोकसभा चुनाव में दल के प्रत्याशी के विरुद्ध चुनाव लड़े थे, जबकि मांडू के भाजपा विधायक जेपी पटेल लोकसभा चुनाव के पहले कांग्रेस में शामिल हो गए थे। उन्होंने हजारीबाग संसदीय सीट से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा और पराजित हुए। सीएम हेमंत पहुंचे रिम्स, गिरिडीह जिला सचिव से की मुलाकात। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गुरुवार को रिम्स के ट्रामा सेंटर सह सेंट्रल इमरजेंसी में भर्ती गिरिडीह के झामो जिला सचिव महालाल सोरेन से मुलाकात की। वह दोपहर करीब 2:15 पर ट्रामा सेंटर पहुंचे। प्रथम तले पर भर्ती मरीज से मिलकर उनका हालचाल जाना, समस्या जानने के बाद इलाज कर रहे चिकित्सक डॉक्टर संजय सिंह से बीमारी के बारे में विस्तृत जानकारी ली है। रिम्स के डॉक्टर संजय सिंह ने सीएम हेमंत सोरेन को बताया है कि मरीज महालाल सोरेन चक्कर और उल्टी की समस्या को लेकर भर्ती हुए हैं। रांची दुमका इंटरसिटी एक्सप्रेस से 7 बदमाश गिरफ्तार। धनबाद जीआरपी थाना की टीम ने रांची दुमका इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन से चोरी छिनताई गिरोह के 7 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। बताया जाता है कि रेल पुलिस ने श्रावणी मेला को लेकर ट्रेनों में लगातार विशेष छापेमारी अभियान चला रही है। इसी दौरान दुमका इंटरसिटी में कुछ युवक हंगामा कर रहे थे। इस सूचना पर रेल पुलिस तत्काल वहां पहुंची। हंगामा कर रहे युवकों को चिन्हित कर पकड़ा गया। इनके पास से 3 मोबाइल, 1 लैपटॉप और 1 आईफोन भी बरामद किया गया है। जीआरपी थानेदार रंजीत कुमार ने बताया है कि गिरफ्तार 7 आरोपियों में से 3 का आपराधिक इतिहास भी रहा है। उनके खिलाफ आधा दर्जन आपराधिक मामले दर्ज हैं। ये लोग ट्रेनों में यात्रियों का सामान चुराने और छिनताई करने का भी काम करते थे। 170 रेंजर और 78 सहायक वन संरक्षक होंगे नियुक्त। झारखंड में 170 वन क्षेत्र पदाधिकारी और 78 सहायक वन संरक्षक नियुक्त होंगे। जेपीएससी ने गुरुवार की देर शाम इसका विज्ञापन ही जारी किया है। इनके लिए 29 जुलाई से 10 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। 11 जुलाई तक परीक्षा शुल्क जमा करना होगा। जेपीएससी ने 18 अगस्त को वन क्षेत्र पदाधिकारी और सहायक वन संरक्षक की प्रारंभिक परीक्षा की संभावित तिथि तय की है। वहीं 18 अगस्त को पहली पाली में वन क्षेत्र पदाधिकारी की और दूसरी पाली में सहायक वन संरक्षक के लिए प्रारंभिक परीक्षा हो सकेगी। दोनों पदों के लिए अभ्यर्थियों को कृषि, कृषि अभियांत्रिकी, पशुपालन व पशु चिकित्सा विज्ञान, वनस्पति शास्त्र, रसायन विज्ञान, वानिकी, भूगर्भ शास्त्र, गणित, भौतिकी, सांख्यिकी, जंतु विज्ञान, पर्यावरण विज्ञान में से किसी एक में स्नातक या सिविल मैकेनिक व केमिकल में अभियांत्रिकी डिग्री होना अनिवार्य है। एनएचएम के 12,000 कर्मियों को 5 से 8% तक का इंक्रीमेंट। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत राज्य में कार्यरत कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। एनएचएम झारखंड के अधीन कार्यरत 12,000 कर्मियों के अनुबंध अवधि को मार्च 2025 तक बढ़ा दिया गया है। इसके साथ ही सभी 12,000 कर्मियों के मानदेय में वार्षिक वृद्धि भी कर दी गई है।
वहीं यह फैसला मंगलवार को स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव अजय कुमार सिंह की अध्यक्षता में आयोजित झारखंड रूरल हेल्थ मिशन सोसाइटी के एग्जीक्यूटिव कमेटी की बैठक में लिया गया। एग्जीक्यूटिव कमेटी ने निर्णय लिया है कि एनएचएम झारखंड के अधीन कार्यरत सभी कर्मियों को एनुअल इंक्रीमेंट का आधार उनका परफॉर्मेंस होगा। युवाओं के लिए माओवादियों ने निकाली थी बहाली। झारखंड में भाकपा माओवादी ने संगठन में युवाओं को बहाल करने की योजना पर काम शुरू किया था। माओवादी की इस योजना का खुलासा माओवादियों के पास से मिले लैपटॉप कई दस्तावेजों के आधार पर हुआ था। अब पूरे मामले में एनआईए ने केस टेक ओवर कर जांच शुरू कर दी है। पूरे मामले में झारखंड पुलिस के 25 लाख के इनामी सैक कमांडर व उत्तरी छोटा नागपुर जोन के वीर सेन उर्फ चंचल दास समेत 15 से 20 माओवादियों को आरोपी बनाया गया है। एनआईए की रांची यूनिट केस की जांच करेगी। बता दें, सूचना के अनुसार भाकपा माओवादी ग्रामीण युवाओं को संगठन में बहाल करने, लेवी वसूलने व सुरक्षा बलों पर हमले की योजना बना रहा था। इसी सूचना पर बोकारो पुलिस और सीआरपीएफ की टीम ने संयुक्त कार्बिन ऑपरेशन चलाया था। ऑपरेशन के दौरान पुलिस बलों के साथ माओवादी की मुठभेड़ भी हुई थी। दिव्यांग और अनाथ छात्रों के लिए शुरू होगी नवोत्थान छात्रवृत्ति योजना। सरकार उच्च एवं तकनीकी शिक्षा पर विशेष ध्यान दे रही है। रांची में पूर्वी भारत का पहला दिव्यांग विश्वविद्यालय खोलेंगे। दिव्यांग एवं अनाथ छात्रों की उच्च शिक्षा का पूरा खर्च वहन करने के लिए सरकार नवोत्थान छात्रवृत्ति योजना शुरू करने जा रही है। बहुत ही जल्द ग्रास रूट इंटर्नशिप योजना शुरू होगी। यह जानकारी उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के मंत्री चंपाई सुरेन ने गुरुवार को DSPMU में विभाग द्वारा आयोजित सेमिनार में दी है। सेमिनार उच्च शिक्षण संस्थानों में डिजिटल तकनीकी को बढ़ावा देने पर था। उन्होंने कहा है कि ग्रास रूट इंटर्नशिप योजना के तहत हर पंचायत में 4 विद्यार्थियों की टीम वहाँ के सामाजिक आर्थिक परिवेश के साथ भाषा संस्कृति का अध्ययन करेगी। इसकी रिपोर्ट सरकार को मिलने के बाद विकास योजनाएँ तैयार होगी। उत्कृष्ट और आदर्श विद्यालयों का स्कोर कार्ड अगस्त में। झारखंड में संचालित 80 मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालयों और 325 प्रखंड स्तरीय आदर्श विद्यालयों के शिक्षकों और प्रधानाध्यापक का जैक सभागार में 5 दिवसीय उन्मुखीकरण कार्यशाला गुरुवार को शुरू हुई। इसका शुभारंभ शिक्षा विभाग के प्रभारी सचिव उमाशंकर सिंह ने किया है। उन्होंने कहा है कि राज्य के सभी स्कूलों का स्कोर कार्ड जारी किया जाएगा। अगस्त के अंतिम सप्ताह में 80 मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालयों और 325 प्रखंड स्तरीय आदर्श विद्यालयों का स्कोर कार्ड जारी होगा। कई मानकों पर 2000 अंकों से इन स्कूलों का मूल्यांकन किया जाएगा। यह रिपोर्ट कार्ड हर माह जारी होगा। उन्होंने कहा, नवंबर से दूसरे चरण में सभी +2 विद्यालयों का रिपोर्ट कार्ड बनेगा। मार्च 2025 तक सभी विद्यालयों पहली से पांचवी को छोड़कर का रिपोर्ट कार्ड जारी किया जाएगा। हर साल हजारों स्टूडेंट गाँव में जाकर करेंगे इंटर्नशिप। पूर्व मुख्यमंत्री सह उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के मंत्री चंपाई सुरेन ने कहा है कि राज्य के विभिन्न कॉलेजों के विद्यार्थी गाँव में जाकर इंटर्नशिप करेंगे। वे वहाँ न केवल परंपरागत ज्ञान और ग्रामीणों के आइडिया का डॉक्यूमेंटेशन करेंगे, बल्कि उन्हें स्टार्टअप के लिए सहयोग प्रदान करेंगे। इसके लिए जल्द ही ग्रास रूट इनोवेशन इंटर्नशिप प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। प्रत्येक वर्ष 17,380 विद्यार्थियों को लाभ मिलेगा। नक्सलियों का बिहार झारखंड बंद रहा बेअसर। बिहार और झारखंड में बुलाया गया नक्सलियों का बंद बेअसर रहा है। नक्सल प्रभावित कुछ क्षेत्रों में बड़े वाहन नहीं चले, कहीं से किसी भी तरह की अप्रिय घटना की सूचना भी नहीं है। गिरिडीह के एक केस में धनबाद से गिरफ्तार 25 लाख के इनामी जया उर्फ चिंता सहित 3 नक्सलियों की गिरफ्तारी के विरोध में नक्सलियों ने 25 जुलाई को झारखंड बिहार बंद बुलाया था। बता दें, गिरफ्तार जया 1 करोड़ के इनामी केंद्रीय कमेटी सदस्य प्रयाग मांझी उर्फ विवेक की पत्नी है। वह नक्सली संगठन में बिहार झारखंड स्पेशल एरिया कमेटी सदस्य थी। वह नक्सली संगठन नारी मुक्ति संघ का नेतृत्व भी कर रही थी। कोलकाता महानगर की तर्ज पर रांची में बनेगा ट्रैफिक जिला। कोलकाता महानगर की तर्ज पर रांची में भी ट्रैफिक जिला बनाने का निर्णय लिया गया है। रांची की यातायात व्यवस्था सुदृढ़ होगी। DGP अजय कुमार सिंह ने गुरुवार को पुलिस मुख्यालय में सड़क सुरक्षा व यातायात व्यवस्था पर समीक्षा बैठक के दौरान यह निर्णय लिया है। बेहतर यातायात व्यवस्था वाले विभिन्न शहरों का अध्ययन कर लौटी 3 सदस्यीय टीम से मिले फीडबैक के बाद DGP ने यह निर्णय लिया है। बैठक में 3 सदस्यीय टीम ने विभिन्न शहरों की यातायात व्यवस्था पर भी एक प्रस्तुति दी है। समीक्षा बैठक के दौरान रांची शहर की यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए पुलिसकर्मियों की उपलब्धता व आवश्यकताओं पर भी जोर दिया गया। यह भी निर्णय लिया गया है कि कोलकाता की तर्ज पर रांची में ट्रैफिक जिला बनेगा। इसके अलावा कुछ अन्य शहर की यातायात व्यवस्था भी अनुकरणीय है।
विश्व आदिवासी दिवस पर झारखंड में होगा भव्य महोत्सव। झारखंड सरकार में अनुसूचित जाति जनजाति व पिछड़ा कल्याण मंत्री दीपक बिरुआ ने पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि विश्व आदिवासी दिवस पर पूरे देश के आदिवासी चिंतकों विशेषज्ञों और सम्मानित व्यक्तियों को आमंत्रित करें। मंत्री ने निर्देश दिया है कि आगंतुकों के आगमन और आवासन आदि की व्यवस्था में कोई कमी न रहे। बैठक में आदिवासी कल्याण आयुक्त अजय नाथ झा ने तैयारियों को लेकर विभाग की ओर से पीपीटी के माध्यम से विस्तृत जानकारी देते हुए कहा है कि महोत्सव में आदिवासी समाज से जुड़ी सभी संस्कृति और परंपरा को दर्शाया जाएगा। उन्होंने कहा है कि आदिवासी संस्कृति कला एवं वाद्य यंत्र परिधान एवं आभूषण डोकरा कला कोहबर सोहराई सहित कई कलाओं सहित आदिवासी इतिहास की प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। झारखंड के हर ब्लॉक में गौशाला बनाने की तैयारी। कृषि मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने कहा है कि राज्य में मात्र 23 गौशाला निबंधित है, यह संख्या बहुत कम है। हमारा प्रयास होगा कि प्रखंड स्तर पर गौशाला का चलाया जाए। वहीं गौशाला आयोग की ओर से हमारी गौ माता हमारा दायित्व के जरिए आमजन को गौ सेवा से जोड़ा जाना बहुत ही बेहतरीन प्रयास है, इससे लोग गौ सेवा कर पाएंगे। दीपिका पांडे गौ सेवा आयोग की गोबर प्रसंस्करण प्रशिक्षण प्रमाण पत्र वितरण समारोह को संबोधित कर रही थी। उन्होंने कहा है कि प्रखंड स्तर पर गौशाला चलेगी तो गाय या गोवंश की तस्करी की शिकायत भी नहीं मिलेगी। गोबर को बहुत प्रकार से उपयोग में लाया जा सकता है, इससे गोबर गैस भी बनती है। चाईबासा से 2 KG का IED बरामद। चाईबासा जिला पुलिस और सुरक्षा बलों ने नक्सलियों की बड़ी साजिश को विफल कर दी है। नक्सलियों ने सुरक्षा बलों को टारगेट करते हुए आईडी लगाया था। टोंटो थाना स्थित वनग्राम सरजम बुरु और चिड़िया बेड़ा के बीच जंगली पहाड़ी क्षेत्र में यह बम लगाया गया था, जिसे सुरक्षा बल और जिला पुलिस की टीम ने बरामद कर लिया है। वहीं सुरक्षा के दृष्टिकोण से उसी स्थान पर बम निरोधक दस्ता की सहायता से विनिष्ट भी कर दिया गया है। पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर ने बताया है कि बरामद बम करीब 2 किलोग्राम का था। इससे पहले भी क्षेत्र में कई बरामद किए गए हैं और निष्क्रिय भी किए गए हैं। धन्यवाद।